close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. अच्छी तो नहीं हूँ मैं. आपको एक बहुत ही अपनी बेस्ट स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आज. तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, आज 21st पता नहीं किन सदियों में जी रही हूँ मैं. आज है 1st of May एंड पुणे से आए हुए मुझे थोड़ा टाइम हो चुका है. मैं समय पहले आ चुकी थी, लेकिन उसके बीच में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ शूट भी किए जिन्हें मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं उन्हें एडिट ही नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बीमार चल रही थी. तो हुआ यूँ कि वीडियोज़ तो मैंने बहुत सारे बनाए, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किए क्योंकि मैं उन्हें एडिट ही नहीं कर पाई. क्योंकि जब मैं पुणे से आई उसके बाद मेरी मौसी आ गई थी, और मौसी के आने के बाद मैं एडिट करने के लिए मेरा शरीर ही साथ नहीं दे रहा था. तो मैं एडिट क्या करती, तो मैं एडिट नहीं कर पाई वीडियोज़ को, और अब मैं वही एडिट कर रही हूँ. तो उन्हें मैं अपलोड करूँ उससे पहले ही मैंने सोचा क्यों ना ये छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँ. तो हुआ यूँ कि जब मैं पुणे से आई तो मेरे हाथ में था टैटू. और जैसे कि टैटू में आप 7 to 8 days हाथ में पानी नहीं डाल सकते हो, तो मुझे इस हाथ को पानी से बचाना था. तो मैं अपना हेयर वॉश नहीं कर पा रही थी, तो मेरी एक हेल्पर है, तो वो उससे मैंने बोला. उस समय मेरी मासी आई हुई थी, और मेरी मासी ने मुझे कई बार बोला भी कि लाओ मैं तुम्हारा हेयर वॉश कर लेती हूँ, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. तो मैंने बोला ठीक है, नहीं रहने दो, मैं करवा लूँ, मैं करवा लूँगी. तो मुझे नहीं पता था कि इस टैटू के चक्कर में मुझे इतनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ेगी. तो हुआ यूँ कि जब मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि मेरा हेयर वॉश कर दो, तो वो मेरा हेयर वॉश करने लगी. तो पोजीशन कुछ इस तरीके से थी कि मैं नीचे बैठी हुई थी और मेरा हेड पूरा ऐसे झुका हुआ था. फिलहाल मैं वो हेड पूरा अपना झुका ही नहीं सकती हूँ, तो पूरा पूरा झुका हुआ था. मतलब मेरे पास इतनी अकल नहीं है कि मैं वो गर्दन इतना बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, और मैं उसको पूरा ऐसे पेंट कर चुकी थी. और वो बैठी थोड़ी ऊपर साइड बैठी हुई थी, तो जब मेरी पूरी गर्दन झुकी हुई थी, और मेड्स लोग जानते हो ना कि बहुत प्रेशर लगाते हैं, तो वो बहुत प्रेशर लगा रही थी मेरे बालों में. और जब वो मेरा बाल धुल रहा था ना, उसी समय मुझे यहाँ नेक में पीछे तरफ बहुत ज़ोर से पेन आया. तो मुझे लगा वो ठीक हो जाएगा बस उसी समय के लिए, लेकिन वो पेन बढ़ता गया. तो जब मैं उसी समय पे जब मैं बाल धुलवा रही थी, तो मैंने उसको बोला 2 मिनट रुको, मेरे को अपना एक बार गर्दन सीधी करने दो. जब मैं गर्दन सीधी करने की कोशिश की, तो मेरी गर्दन मतलब मैं सीधी ही नहीं सीधी कर पा रही थी, बट पेन बहुत हो रहा था. तो मैंने फिर भी सोचा कि चलो थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा, होता है ना थोड़ी गर्दन लचक जाती है, ऐसे कुछ हुआ होगा. तो मैंने अपना बाल बाल धुलवा लिया. बाल बाल धुलवाने के बाद जब मैं ऊपर की, तो गर्दन मेरी दुख रही थी. तो चलो मैंने बोला कोई बात नहीं, सो गई रात में, चलो कोई नहीं ठीक हो जाएगी, 1-2 दिन में, थोड़ा टाइम लगता है. अपनी जब कभी कभी रात में सोते अपनी गर्दन लचक जाती है ना, तो वो टाइम लगता है. तो मैंने सोचा इसमें भी ऐसे कुछ टाइम लगेगा, तो मैंने उसको इजी टू जाने दिया और सोचा चलो ठीक हो जाएगी. उसके नेक्स्ट डे हम लोग गए हिल रोड, और हिल रोड बॉम्बे में बांद्रा में है. और अगर आप स्ट्रीट शॉपिंग करना चाहते हो, तो दैट इज़ वेरी गुड प्लेस टू शॉप, स्पेशली फॉर गर्ल्स. एक्चुअली गर्ल्स का ही वहाँ पे यूथ शॉपिंग ही मिलेगी आपको, तो बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है. तो वहाँ हम लोग कभी ना कभी ऐसे विजिट करते रहते हैं. तो जब मासी आई हुई थी, तो हम लोग वहाँ उनको लेके गए और वहाँ शॉपिंग वॉपिंग की. हालांकि मैं वहाँ पे कुछ अच्छा शूट करना चाहती थी, कुछ चैलेंज करना चाहती थी, 1000 rupees चैलेंज ऐसा करके, मगर मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरे नेक में बहुत ज़्यादा पेन आ चुका था. मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था बैठे रहे वहाँ पे. उसके तो वहाँ पे ना मरीन में जब आप जाते हो ना, तो वहाँ मसाज वाले अंकल घूमते रहते हैं, तो आप किसी को भी बुला के मसाज करा सकते हो. तो मैंने सोचा थोड़ा मसाज ले लेते हैं, बैक मसाज और नेक मसाज, तो थोड़ा ठीक लगेगा. तो जब उन्होंने बैक मसाज की, नेक मसाज की, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उससे कुछ ठीक नहीं हुआ. उसके बाद सेकेंड डे हो गया, थर्ड डे हो गया, मेरी गर्दन ठीक ही नहीं हुई. मेरी उल्टा बिल्कुल ये इतना स्टिफ हो चुका था, इतना स्टिफ हो चुका था, मुझे लग रहा था किसी ने गर्दन को मेरे पीछे से पकड़ के रखा है.
मतलब जकड़ के रखा है और इसके कारण मेरा ये पूरा बैक पूरा हेड दर्द होने लग गया था पीछे से आगे तक. मतलब ऐसे जैसे वेन्स होते हैं ना, तो ऐसे पूरा यहाँ पे दर्द हो रहा था. जब 3 days 4 days हो गए, 3 to 4 days, और उसके कारण मैं कुछ काम नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने कैसे झुका ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जब भी मैं झुकाती थी तो मेरे को लोड आ रहा था, मेरे को लगा था मेरी गर्दन जा चुकी है, मेरी गर्दन इस सर को बाहर ही नहीं सह पा रही थी. तो मुझे लगा मेरी गर्दन जा चुकी है तो मैं इसलिए कुछ एडिट नहीं कर पा रही थी, तो मैं रेस्ट लेना चाहती थी. उसके बाद रात में सोने में मुझे तकलीफ आती थी क्योंकि मेरी गर्दन ना ऐसी होती थी ना ऐसी होती, बस आप इधर और इधर कर सकते थे मगर ऐसे और ऐसे नहीं कर पा रहे थे. तो रात में मुझे बहुत तकलीफ हुई. उसके बाद मैंने मेरे डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब उन्होंने मुझे मेडिसिन बताई, मैंने उसे लिया. 3 दिन हो गए, तो जब 3 दिन हो गए ना तो मुझे थोड़ा ठीक लगना शुरू हुआ. मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा. वैसे भी किसी चीज़ को ठीक होने में 4 to 5 days लगता ही लगता है, तो 3rd day था तो मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा. तो आई वॉज हैप्पी. तो मैंने सोचा चलो यार बाल कटा लेते हैं क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है और मुझसे मैनेज नहीं हो रहे थे मेरे बाल, तो मैं चली गई सलून बाल कटाने. जब वहाँ गई तो लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ जब मैं गई और मैंने अपना गर्दन सिंक में रखा हेयर वॉश के लिए, तो मैं जब ऐसे रखी और विद इन 1 minute मैंने उसको बोला, वो मेरा हेयर वॉश करने लगे, विद इन 1 minute मैंने बोला कि प्लीज़ स्टॉप इट, क्योंकि मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे बियर्ड ही नहीं हो रहा था. मैं इतनी डर गई थी कि अभी मैंने आगे झुकी हुई थी मेरी गर्दन तो इतनी प्रॉब्लम आ गई, और पीछे झुका ही नहीं पा रही थी. मुझे लगा ठीक हो गया है लेकिन वो झुकी नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा पेन आने लगा और उस पेन के कारण पूरे हाथ में पेन आ जाता था और पूरे सिर में पेन आ जाता था. तो मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊँगी, फिर उस अब आधे बाल तो धो चुका था, तो उसने बोला आप क्या करें मैडम. तो मैंने बोला 1 मिनट. मैं खड़ी हो गई और सब देख रहे थे वहाँ, और मैं खड़ी हो गई और ऐसे हल्का सा अपनी कमर को झुका के सिंक की तरफ बाल आगे किए, गर्दन नहीं झुकाई, कमर झुका के अपने हेयर वॉश करवाया मैंने. जैसे जैसे वो सब हो गया, अब घर आई तो बहुत पेन, पूरा सिर में पेन. फिर डॉक्टर से मैंने बात की तो उन्होंने बोला 1-2 दिन और देखो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है. उसके 1-2 दिन मतलब वो दवाई कंटिन्यू करनी थी 5 days के लिए, तो मैंने 5 days दवाई कंटिन्यू करी. लेकिन 4th day से ही उन्होंने बोला थोड़ी बहुत मसाज करती रहो और वार्म वाटर से थोड़ा आप सिकाई करो. तो मैं सिकाई तो नहीं कर पा रही थी लेकिन हाँ मैंने मसाज देना शुरू करी. मैं बिना तकिए के सोती थी, गर्दन को ज़्यादा आगे पीछे झुकाती नहीं थी, और बस यही करते करते 3-4 मतलब टोटल 8-9 दिन हो गया मेरे को ये सब करते करते. तब जाके मुझे अब कल से थोड़ा रिलीफ हुआ है. अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, अभी मैं गर्दन अगर कोशिश करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकती. लाइक मैं अभी भी ऐसा करी तो मुझे लग रहा पेन है, तो अभी भी मेरी गर्दन बहुत वीक है. कहानी का मतलब एंड ये है कि आप अपनी गर्दन के साथ इस तरीके से कभी भी इसको मतलब मजाक ना समझो कि भाई कुछ नहीं होगा, बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है. कब ठीक होगा, ठीक होगा भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे आगे डॉक्टर्स को बड़े डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा. मैं बहुत डर गई अभी भी फिलहाल. अभी देखो ना मैं ये करना ही नहीं चाहती, अभी भी मुझे पेन है. तो देखते हैं ये पेन कब तक रहता है, होपफुली ठीक हो जाए धीरे धीरे. मसाज डेली करने वाली हूँ और कोई दवाई नहीं ले रही हूँ फिलहाल. कोई 5 दिन ये दवाई नहीं की, डॉक्टर ने अलग ये बोला था कि 5 दिन के बाद दूसरी दवाइयाँ चेंज करेंगे, मगर मुझे मेडिसिन खानी नहीं है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता मेडिसिन खाना बिल्कुल भी. इसलिए नहीं, टेस्ट के कारण कोई भी ऐसा इशू नहीं है मेरे को, मगर मुझे लगता है कि मेडिसिन अपनी बॉडी वीक ही होती है तो मैं अवॉइड करना चाहती हूँ मेडिसिन को. सो या ये रही स्टोरी. मैं बहुत परेशान रही, तो आप सब यार अपनी गर्दन का बहुत ध्यान, गर्दन का क्या यार, खासकर की लड़कियाँ हैवी चीज़ें बिल्कुल ना उठाएं, और गर्दन का बहुत ध्यान रखें. आप कहीं भी कैसे भी सो जाते हो, कैसे भी, खासकर के ऐसे मुंडी से कभी बाल नहीं धुलाएं. मैंने बहुत बड़ी गलती करी और जब वो पेन आया तो भी उसको ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ठीक हो जाएगा. ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, इसका बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जब ये चीज़ ख़राब हो जाती है ना तब आप फील करते हो कि कैसा लगता है यार. हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ कुछ हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं, ये मुझे रियलाइज़ हो गया है. हाँ जो मैं वीडियो डालने वाली हूँ वो हिल रोड का ही होगा, हालांकि जितना मैं शूट कर सकती थी मैं कर पाई, मैं वो अपलोड कर देती हूँ यार. क्लिप्स को मैं बहुत मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में भी, तो मैं उनको यूँ ही नहीं जाने देना चाहती. तो मेरी मौसी आके जा चुकी हैं और मुझे उस दिन इतना पछतावा हो रहा था ना कि मैंने अपनी मौसी से क्यों सर नहीं धुलाया, काश मैं धुला लेती, काश. बहुत मैंने उस दिन को बहुत कोसा, सीरियसली बहुत कोसा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं ना. सो गाइज ये थी मेरी गंदी सी पेनफुल, बहुत ही गंदी सी स्टोरी स्नैक की. तो मैं जाती हूँ ज़रा सा मसाज कर लेती हूँ तो थोड़ा अच्छा फील करूँगी. तब तक आप मेरे इस वीडियो को देखो, देखो
हेल्को मार्केट कैसा दिखता है. एक्चुअली हेल्को मार्केट से भी जाना जाता है. और ये बांद्रा में है. जो लोग बॉम्बे में रहते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन जो आउट ऑफ बॉम्बे हैं उनको इस बारे में अगर आइडिया नहीं है तो ये मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा स्ट्रीट मार्केट है. आप बहुत ही अच्छी शॉपिंग, और यहाँ का क्राउड भी बहुत अच्छा है. ऐसा नहीं है चलता फिरता कोई मार्केट, नहीं, बहुत अच्छा मार्केट है. तो अगर आप बॉम्बे कभी आते हो तो इस मार्केट को ज़रूर 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 जाओ और स्ट्रीट शॉपिंग करो, क्योंकि बहुत अच्छी शॉपिंग होती है वहाँ पे एंड बहुत ही ट्रेंडी कलेक्शन होता है. तो या आप जाओ चेकआउट करो और मुझे ज़रूर बताना. हालाँकि मैं कभी फिर से वहाँ जाऊँगी जब 1000 rupees चैलेंज करना है, तो मैं आपको डिटेल मार्केट दिखाऊँगी. जब तक आप इसी को इन्जॉय करो और मुझे बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो. तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर से. या गो एंड एंजॉय. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. So we have reached to the destination, and here you can see the marks and temperature showing. So we really market means to start with that. So we are just paying our whatever amount it is. So we are going to pay that, and बस उसके बाद वी विल स्टार्ट अवर शॉपिंग. सो एज यू विल सी देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल पीसेस, एंड दीज आर रियली गुड इन क्वालिटी टू एज वेल. यू विल गेट इट फॉर जस्ट रुपीज 500, समवेयर अराउंड 400-500. सो यूजुअली इट रेंजेस फ्रॉम 200 टू 700 समथिंग. सो या आई लाइक देम सो मच. तो अब हम आगे चलते हैं. जैसा कि ये आप टॉप स्टेटर हो गए, ये सारे 200-300 के रेंज में होंगे, कुछ 150 के रेंज भी होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. बट या वी विल गेट इट फॉर रुपीज 150-200 और समथिंग लाइक दैट. सो यहाँ पे आप कुछ लोअर्स भी देख पा रहे हो, घर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो यहाँ पे आपको डेनिम शॉर्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये सब 200-300 के ही हैं. सी यहाँ पे 250 की सेल लगी हुई है. और ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रीट शॉपिंग है तो इसकी क्वालिटी में अच्छा, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्वालिटी बहुत अच्छी है. हाँ, कुछ कपड़े ऐसे मिल सकते हैं जिन्हें आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत ही अच्छे कपड़े यहाँ पर देख सकते हो. डेनिम शॉर्ट्स हैं 250 के, फैंसी टॉप्स हैं 250 के. ये लोअर्स बहुत कम्फी है, बहुत ही फैब्रिक इसका बहुत सॉफ्ट है. सो ये सब 150-200-300 तक के आपको वहाँ मिल जाएंगे. सो मैं यहाँ पे कुछ लोअर्स चेकआउट कर रही हूँ कि अगर कुछ अच्छा लगता है तो. मेरी सिस्टर को लेना था तो ले सकते थे वहाँ से. हाँ, लिया है शायद हम लोगों ने वहाँ से. सो उसको थोड़ा साइज में प्रॉब्लम आया था तो हम लोगों ने वापस एक्सचेंज करा दिया था. नाउ हियर यू कैन सी ऑल द ब्यूटीफुल, मतलब यार बहुत ही सुंदर सुंदर टॉप्स यहाँ मिल रहे थे. फॉर्मल्स भी मिलते हैं यहाँ पे. ये सब 450-450 के रेंज में है, 450-500-600 हमें लगता है, क्योंकि जो जितने भी शॉप्स के अंदर मिलेंगे ना वो यहीं से स्टार्ट होंगे 300 से. लेकिन जो आपको रोड में मिलेंगे वो आपको 150-200 में मिल जाएगा. सो यहाँ पे लॉन्जरीज भी मिलती हैं एज वेल एज़ मुझे ये टॉप बहुत पसंद आया था, हालाँकि मैंने इसे लिया नहीं, बट आई रियली लाइक देम. बहुत ही अच्छे से प्यारे से पार्टी वेयर टॉप लग रहे थे.
सो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहो तो गाउन स्नाइपर्स भी ले सकते हो, रीचिंग आउट सम वॉल्स हियर। सो यहाँ पे जितने भी टॉपर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब 500 के ऊपर रेंज के थे। तो यहाँ से मुझे लोअर बहुत पसंद आया था, जो कि बहुत अच्छा कलेक्शन था शॉप का, मुझे बहुत पसंद आया था। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी थी, तो मैंने तो ज़्यादा अपनी दुनिया नहीं, बस मासी को शॉपिंग करनी थी, तो वही कर रहे थे शॉपिंग। तो यहाँ ये बहुत अच्छा स्टोर लगा था मुझे, मुझे बहुत पसंद आया था उसमें। मुझे जितने भी ट्रेंडी टॉप्स थे प्लस इनका जो फैब्रिक था वो बहुत ही अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, सॉफ्ट थे और काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कलेक्शन। तो मैं यहाँ जब भी आती हूँ यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर ले लेती हूँ। तो यार ये था यहाँ पे ना आपको सभी टाइप के जितने भी फीमेल टॉप होते हैं ना सारे मिल जाएंगे, लाइक नॉट फ्रंट टॉप, जॉइंट्स, ड्रॉ स्ट्रिंग टॉप्स, रैप टॉप्स, आपको असिमेट्रिकल टॉप, आपका बैकलेस प्लस स्वीट हार्ट नेक टॉप, फ्लटर स्लीव्स हो गए, स्प्लिट स्लीव्स हो गई, बलून स्लीव्स हो गई और कोर्सेट्स हो गए, मतलब जितने भी ट्रेंडी टॉप्स हैं ना वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो मुझे इसलिए ना हेड टॉप बहुत पसंद है, क्योंकि जो भी ट्रेंड आया होता है ना यहाँ पे, अगर आप चले जाओ तो आपको वो चीज़ पक्का यहाँ पे मिल जानी है, और आप उसको पहनो अच्छे से 3-4 बार, और उसके बाद आप उसको चाहो तो डोनेट कर दो, फिर दो, व्हाटएवर जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। तो मुझे इसलिए इस चीज़ शॉपिंग अच्छी लगती है कि आपने लिया फैशन में जब था पहना, और उसके बाद आपको कोई गम कोई दुख नहीं होता उसको वापस दे देने में, क्योंकि या ये मतलब जितने का जितना इसका वर्थ है हम उसको प्रॉपरली उसको यूज़ कर लेते हैं, दैट्स इट। सो स्ट्रीट शॉपिंग मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती है। सो दिस इज द रीज़न। ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हैं तो वो अच्छी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो बहुत पसंद आता है यहाँ का कलेक्शन, और यहाँ पे आप यकीन नहीं मानोगे अच्छे से अच्छे लड़के लोग एज वेल एज यहाँ पे टीवी सेलेब्स भी आते हैं शॉपिंग करने। तो या अगर आप बॉम्बे में हो और आपने कोई वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ जो जाएँ चेकआउट करें, एंड अगर आप आउट ऑफ बॉम्बे हो और कभी आते हो स्ट्रीट शॉपिंग करने बॉम्बे में, यार बॉम्बे में लोग सबसे पहले स्ट्रीट शॉपिंग करने ही आते हैं आई थिंक। तो जब हम छोटे थे और बॉम्बे आए गए थे तो हमें ज़्यादा था स्ट्रीट शॉपिंग करने में। सो मुझे लगता है कि अगर आप कभी आते हो तो ये अहल रोड को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि यहाँ पर आपको एवरी मतलब सब कुछ एवरी पॉसिबल थिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ लोअर्स है, मैंने लोअर्स को एक्चुअली ज़्यादा शूट नहीं किया, ऐसा नहीं है कि यहाँ लोअर्स नहीं मिलते। यहाँ पे आपको डेनिम्स, रिप डेनिम्स, एंकल लेंथ फिट, प्लाजोज, वट एवर जस्ट जिस टाइप का भी चीज़ चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगा आसानी से। या तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ आप देख रहे हो गया हर चीज़ 200, 500, 300, 400, 600, 700, 8000 तक के रेंज में आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। और उसके बाद अब बस हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है, थोड़ा बहुत कुछ बचा है तो वो चेकआउट करेंगे। जैसे कि मासी जब मैंने लोअर्स चेकआउट करी थी, घर पर कुछ पैंट्स चेकआउट करी थी, यहाँ मैंने मेरा फ़ोन चेक किया क्योंकि काफ़ी देर से मेरे पास फ़ोन नहीं देखा था क्या अपडेट्स हैं। तो वैसे चेकिंग ऑर्डर फोन हुआ, वहाँ पीछे मासी अपने लिए पैंट्स ट्राई कर रही है, और मैं बस वेट कर रही हूँ कब उनका हो जाए, क्योंकि वो बहुत चूजिंग है, धीरे धीरे चूज करती हैं। सो यहाँ पर मेरी सिस्टर मेरी वीडियो बना रही है जो मुझे पता नहीं था। सो यहाँ पे क्लोथिंग के साथ एक्सेसरीज भी मिलेगी, लाइक यहाँ पे बेल्ट आपको हर रेंज में मिलेंगी, 100, 200, 300, 1000, मोर देन 1000, एंड बैग्स मिलेंगे जो आप डेली यूज बैग्स होते हैं, वेजिटेबल बैग्स होते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, 100, 150, 200, 300। तो आप इसको फॉर अ टाइमिंग यूज़ कर सकते हो, मतलब अगर आप नहीं चाहते हो लंबे समय के लिए, क्योंकि यार ये ऑब्वियसली ये बैग ज़्यादा लंबे समय तक तो चलेंगी नहीं, तो आपको आपके साथ साथ ब्रांडेड तो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप मैचिंग करते रहो अपने कॉस्ट, आपका जो भी आउटफिट होता है या आप चेंज करते रहते, जैसे कि मुझे बहुत पसंद है कि मेरे पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो, तो मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें लेती रहती हूँ ताकि मैं चेंज करती रहूँ। हाँ, हम थोड़े से टाइट करते रहते, सो अभी जूस
चीज़ और मासी और गोश्त के लिए हैं सुबह के यूज़ आई थिंक। उसके बाद मैं खाने वाली हूँ चना, जो कि मैं जनरली बाहर ऐसे कुछ भी नहीं खाती हूँ, बहुत हेल्दी चीज़ ही खाना पसंद करती हूँ। सो मैं यहाँ पर मुझे ये ना आलू चना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये हेल्दी भी होता है, तो मुझे मैं जब भी यहाँ जाती हूँ तो मैं ये आलू चना ज़रूर खाती हूँ। तो हम खाएंगे अब आलू चना और अब मेरी मासी मुझे बोलना स्टार्ट कर दी तो थोड़ा रेस्ट करो अपने हाथों को, वीडियो बनाना बंद करो, बड़ी मेहनत वाला काम है। देख के तो ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, बस वीडियो लेके शूट करना है, बट इट्स टफ। तो तुम अभी सब बंद करो और खा लो पी लो। तो या मैं थोड़ा देर बंद करके शूटिंग खाना पीना चालू करूँगी और उसके बाद वापस से थोड़ा देर के बाद मैं अपनी शूटिंग स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर आपको जंग जो है बहुत अच्छी वैरायटी अरेंज हुई है, बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है यहाँ का जंग ज्वेलरी का, चाहे आपके नेक पीसेज हो, ईयर पीसेज हो, ब्रेसलेट्स हो, रिंग्स हो, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। अगर आप यहाँ पे शादी के पॉइंट और अगर आपको कभी शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक कोई फंक्शन है, पार्टी है और आपको नेक पीसेस चाहिए है, तो आप यहाँ ज़रूर चेकआउट करना क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन है। मैंने ये उसी दिन नोटिस किया था, इसके पहले मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया था। जब मेरी बहन की शादी थी तो मैं भुवनेश्वर गई थी ये ज्वेलरीज लेने, लेकिन ये यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा है। हाँ ये थोड़े महंगे ज़रूर हैं लेकिन बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ का। सो अगर आप चाहो तो यहाँ चेकआउट कर सकते हो। एज वेल एज यहाँ पे आप फुटवेयर्स देख सकते हो, सारे ट्रेंडी फुटवेयर्स मिलेंगे जो भी उस समय ट्रेंड में होंगे, तो यहाँ से आप फुटवेयर्स ले सकते हो। ये सब बिल्कुल मैं सस्ते होंगे, आई थिंक 200-300-400। आप इसको यूज एंड थ्रो कर सकते हो, यूज़ किया कुछ समय 2-3-4 बार उसके बाद थ्रो हुए। तो यहाँ पे यार कितने प्यारे प्यारे शूज़ थे यार, मुझे तो लग रहा था मैं सब ले लूँ। देखो ना ये गोल्डन वन, ब्लू वन, पिंक वन, मुझे बहुत पसंद आया। तो क्या तो बस यहाँ से कुछ चप्पलें ली हमने और बस आगे बढ़ गए। तो एक्सेसरीज में आपको यहाँ पर बैग्स भी मिलेंगे, मैं बैग ज़्यादा शूट नहीं करता, बहुत अच्छा कलेक्शन मिलता है ये, तो फिर भी ओके ओके ही है, बहुत अच्छा यहाँ मुझे नहीं लगा था। बैग्स में बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग वैसे भी बहुत ही हमारे पास कम समय बचा था, तो जितना मैं यहाँ शूट कर सकती थी मैंने शूट कर लिया था। अब हम लोग यार बहुत बुरी तरीके से हम थक चुके थे। कुछ यहाँ पे ना आपको एल्को रेस्टोरेंट मिलेगा, यहाँ का दही पूरी और आई थिंक आलू दही पूरी और चाट, दही चाट, यस उसको ट्राई करना, इतना टेस्टी, इतना यमी मैंने आज तक भी नहीं खाया हुआ यार, इतना यमी। तो ये मेरी बहन की नौकरी की थी, बिल्कुल कैमरे में बिल्कुल जूम जूम करके वो दिखा रही थी, और जब उसकी बारी आई तो इतना शर्मा रही थी, मुझे हमने अपना हाथ रखा। तो हाँ यहाँ पे ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यमी है। अब हम जा रहे हैं, पूरा मार्केट पूरा बंद हो चुका है, खाली हो चुका है, हमने पूरा मार्केट खरीद लिया आई थिंक सुबह सब हम ऑटो पकड़ेंगे और ऑटो पकड़ के निकल देंगे। तो यार मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको हिल रोड? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो मैं कोशिश करूँगी फिर से वीडियो बनाऊँ, जाऊँ एक बार, जाने का एक फ़ायदा भी ना, शॉपिंग कर लूँगी। तो
हाँ तो मैं कोशिश करूँगी मैं दोबारा जाऊँ और अच्छे से दिखाऊँ ताकि आप सबको अच्छा लगे। और यार मुझे ना आप लोगों से एक शिकायत है, शिकायत ये है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना वो मेरे वीडियोज़ को लाइक नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को कमेंट करने को इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहती हूँ। मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते और मुझे पता नहीं चलता आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हो और अगर आपको पसंद आता तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यार हमें बहुत सारी इतनी बड़ी सी फैमिली बनना है ना यार, उसके लिए हमें हमारे वीडियोज़ को शेयर करना पड़ेगा ताकि हम आने वाले समय में बहुत बड़ी फैमिली बन जाएँ। तो यार ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो या मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।